क्या हाल है भाई सभी के। वेलकम बैक टू माई सेकेंड व्लॉग। तो भाई मैं अभी निकल गया था अपने अपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी मतलब मेरे अपार्टमेंट में यही कोई लगभग आधा घंटा, मेरा डिपार्टमेंट जहाँ है वो पड़ता है मेरा आधा घंटा। तो निकलने के बाद अभी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ इसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं भाई, मतलब बढ़िया शहर है ना, सुंदर शहर है काफ़ी। तो क्या होता है जो ये ग्रीन बेल्ट है पूरे शहर के मेरे मतलब, तो जो भाई जो ये ग्रीन बेल्ट है ना ये नदी के दोनों साइड बनी हुई है और ये नदी पूरे शहर के बीच में से जा रही है। बोईजी जो ये ढाओ की कैपिटल है मैं दिखाता हूँ, मतलब सुंदर शहर है और सड़कें वड़कें भी सब कुछ मतलब यार बढ़िया है, सफाई भी बढ़िया है। जो डिपार्टमेंट है वो मेरा आधा घंटे की दूरी पर, पैदल तो मैं पैदल ही चला जाता हूँ। ये लोग वाग इस टाइम साइकिल चला रहे, जॉगिंग वगैरह कर रहे, वॉकिंग वगैरह कर रहे, घूम रहे हैं। अभी यहीं से मेरा मतलब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बड़ा तो है ही, यहाँ से ही स्टार्ट हो जाओ लेकिन दूर तक है। ये देखिए भाई यहाँ भी सारा यूनिवर्सिटी, ये बस स्टॉप है 5-10 मिनट की दूरी पर है मेरे अपार्टमेंट से, तो यहाँ पर चलती है, यहीं से जाती है। मैंने ट्राई तो नहीं करा मतलब वीआर वाला गेम, लेकिन वो तो ठीक है कभी देख लेंगे टाइम लगेगा तो। वैसे तो टाइम होता ही नहीं क्योंकि आज मंडे है, मंडे को मेरी 2 क्लास है, क्लास भी लेनी है और जो है मैं PhD कर रहा भाई, तो फिर एक्स्ट्रा काम भी वैसा होता ही है थोड़ा बहुत इधर उधर का। अभी ये दिखाता हूँ बिल्डिंग, ये भी ये बिल्डिंग देख भाई, ये भी कुछ है मतलब कुछ तो है, से ना हो पाएगा यूनिवर्सिटी पे। यहीं पर लोग बाग राफ्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं इस रिवर में। अभी तो समर का टाइम है ना तो कम पानी है इसमें, रिवर में गहरी भी नहीं है, मतलब अगर बीच में भी खड़े हो जाओगे तो अगर 6 फुट का आदमी है तो मैक्स टू मैक्स उसके चेस्ट तक पानी आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन बहाव सही है। जब सीजन हो गया इसका तो इसमें ज़्यादा पानी आवे तो ज़्यादा लोग इधर उधर आते जाते रहे, रिवर राफ्टिंग करें ज़्यादा। अभी भी पता नहीं देखे हुआ, अगर मिल गया वो दिख गया तो कोई करता हुआ, ऐसे चिल करूँ आराम से लेट के। ये मॉरिसन सेंटर है भाई मेरी यूनिवर्सिटी का, आर्ट वगैरह कुछ भी होते हो यहाँ वो सब परफॉर्मेंस वगैरह हो गए। तो भाई ग्रीन बेल्ट से हट के जो यूनिवर्सिटी के बीच में से रोड जा रही है मैं उस पर आ गया था ताकि तुम्हें भी दिखा सकूँ कि क्या क्या मतलब कैसी रोड है, कैसा की सब चीज़ है। अभी आगे मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है। उसके आगे बिग बी भी बोलते हैं, बोईजी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम बोईजी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सा बी पता नहीं जहीं का भी बना रखा हो, बना के रखा हुआ है वहाँ। और तो उसको कहीं भी जाना हो, किसी को मतलब कहीं बताना हो कि कहाँ है तो बिग बी बता देते हैं, बिग बी के नाम से ही फेमस है वो यहाँ पे। तो भाई ये रोड है यहाँ की बिल्कुल साली चमक मार रही है काली। उधर ये उधर जो है ये शायद उसका जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट हो गए हैं उनकी हाउसिंग वगैरह का है ये। ये भी यार छोटी छोटी बिल्डिंग पता नहीं कुछ काम की है, ये यहाँ पे पार्किंग वगैरह है इनकी। रोड क्रॉस करने का बहुत वो है यार यहाँ, जैसे मान लो देख मैं आ रहा था ना तो ये गाड़ी वाला पहले ही रुक गया, मतलब जो प्रायोरिटी है वो जो पैदल जा रहा साइकिल पर जा रहा उसे दी जा। हमारे वहाँ तो मैंने ज़बरदस्ती जगह बना के निकलना पड़े। ये सब बिल्डिंग वगैरह यूनिवर्सिटी का ये सब देख भाई, ये रिलीजन का इंस्टीट्यूट है, मतलब कि किसी को धर्म परम पढ़ने हो अपने यहाँ पढ़ लियो। चर्च है यो, कृष्ण जी का मंदिर भी है यहीं कैंपस में ही, लेकिन वो अभी रास्ते में नहीं है, वो दूर है। ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है मेरी, मैं जिस बिग बी की बात कर रहा था ना, देख यहाँ पे ऐसी बस चले है, शटल फ्री है सारी स्टूडेंट्स के लिए ना, पूरे शहर में कहीं भी जाओ ट्रांसपोर्ट सारा फ्री हैगा। कार्ड के पीछे के स्टिकर लगा रखा उस तक फ्री है, लेकिन ये है बिग बी जो मैं कह रहा था, साला बहुत बड़ा है। तो और ये मतलब
जब वो होता है सर्दी आवे बर्फ पड़े तो और खूबसूरत हो जाए यहाँ का। ये मेरी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, बोईजी स्टेट यूनिवर्सिटी। तो भाई देख रोड क्रॉस करने का दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे है। देख जैसे ये लिखा है ना पुश बटन, ये कह रहा है वेट, तो सामने जो देख लाइट दिख रही होगी वो तो वो ग्रीन हो जाती है, मतलब ग्रीन नहीं होता, पैदल चलने का निशान आ जा तो जब बंदा जा सकता है। अभी उस पर देख रेड कलर का वो आ रहा तो मतलब रुक जाओ अभी नहीं जा सकते तुम, गाड़ी वगैरह रुक जाती है। देख यहाँ पे इधर जा रहा है, ये सब हो गया बकचोदी। अरे माँ की आँख भाई, मैंने जाना तो मतलब मुझे इस साइड था लेकिन वहाँ पे जो एरो था वो उस साइड जाने वाला था, वो गलती से दबा दिया, सब यहीं खड़े हो गए थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे सही है, गाली दे रहे होंगे मुझे, कह रहे मैंने बीच को भी चला जाए यहाँ पे। ये साइकिल बाबा साइकिल चला रहे हैं आ रही है, बाकी गाड़ी वाड़ी भी भाई देखते हैं कि सेक्सी सेक्सी एकदम। भाई घूमता घूमता मैं आ गया था यहाँ स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग पे। स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग पे यहाँ बढ़िया है। ये सामने एक तो छोटा सा वहाँ पे ग्राउंड है फुटबॉल का, मतलब प्रॉपर स्टेडियम भी है मेरी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे WWE वगैरह भी हुए हैं और बास्केटबॉल के गेम हुए और वैसे जो रग्बी वाले गेम है, प्रॉपर स्टेडियम जिसे बोलते हैं वो है। ये स्टूडेंट यूनियन की बिल्डिंग है भाई, इसमें भी जाऊंगा, शाम को जाऊंगा डिपार्टमेंट से आते टाइम, तब दिखाऊंगा भाई अंदर से, मस्त है। ये पूरा गैरेज है इधर। इधर स्टूडेंट बिल्डिंग में क्या है कि कैफेटेरिया वगैरह है और साथ में बॉलिंग वगैरह खेलनी, किसी को पूल खेलना वो सब हैगा, टेबल टेनिस वगैरह खेलना हो, खाते पीते वो सब कर सकें। भाई जिम में मैं पहले ही आके चला गया था, यहाँ पूरी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बास्केटबॉल के कोर्ट है खेलने के लिए, वैसे अलग स्टेडियम से अलग है और दो फ्लोर का भाई जिम है, सेक्सी मस्त है। तो इतना बड़ा तो मेरा साला वहाँ जहाँ मैं जिम करता था पहले अपने घर में, घर के वहाँ इतना बड़ा तो जिम भी नहीं था जितने यहाँ डंबल धरने का स्पेस है गायन का, यहाँ से भाई मतलब गजब बना रखा। पर दिक्कत है क्या, पसीने नहीं आते हैं, मतलब ये है चारों साइड पहाड़ी एरिया, पहाड़ी पहाड़ है यहाँ भी मेरे शहर के यहाँ, और प्लेन प्लेन में बीच में ही शहर है। तो यहाँ पे क्या है कि पसीना कितनी कैडी धूप हो रही हो कितना कुछ हो, एक तो प्यास लगे, बहुत ड्राई मौसम है और पसीना नहीं आता बिल्कुल भी, चाहे भाग लो दौड़ लो कुछ कर लो साला पसीना नहीं आता है भाई। मैं मतलब अभी पीछे ओरिएंटेशन थी मेरी एक, उसमें पता चला था एक डिग्री हो एजुकेशन नाम की भी, एक पता नहीं कोई तो जापानी था कोरियन था कोई तो था चिंकी मिंकी सा। तो भाई मैं पूछ रहा था भाई तू क्या करता है, कह रहा मैं एजुकेशन, मैंने पूछा मेजर क्या है, कह रहा एजुकेशन, मैं कहा एजुकेशन तो कर रहा तू मेजर क्या है तेरा क्या करेगा भाई, तू कह रहा एजुकेशन। फिर मैं समझ माई बाद में बहुत देर बाद में कहा बहन चल एजुकेशन भी ली जा एजुकेशन, मैं कहा वाह भाई वाह भैया क्या बढ़िया था गुरु। ये देख यहाँ भाई माइक्रोन की बिल्डिंग है, मतलब मेरे इसमें दो ही डिपार्टमेंट फेमस है यूनिवर्सिटी में, एक तो माइक्रोन का और एक इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो मेरा डिपार्टमेंट है। सामने वाली बिल्डिंग जो है पूरी मेरे डिपार्टमेंट की है पीछे तक, और ये बिल्डिंग जो है माइक्रोन की बहुत फेमस है, इनके मतलब प्रोफेसर वगैरह दोनों के डिपार्टमेंट के भी बहुत फेमस है, सही है मतलब। तो वो दूर देख सामने भाई पहाड़ दिख रहे होंगे, वहाँ चारों तरफ पहाड़ है, अभी तो सूखे पड़े हैं लेकिन सर्दियों के टाइम पे भाई बर्फ पड़ेगी यहाँ, तो बर्फ में सारे कवर हो जाएंगे। ये भी एक स्टॉप है यहाँ, देख जैसे यहाँ कोई वो नहीं है मतलब जाने के लिए कुछ वो नहीं लगा रखा, तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट क्रॉस कर सकूँ, बस जो गाड़ी वगैरह आ रही है इधर उधर से वो खुद रुक जाएगी अपने आप, मेरे को आँख बंद करके निकलने की ज़रूरत है। और देखो एक तो स्टेडियम इधर है, ये सामने ये तो है रग्बी का स्टेडियम, इसका नाम है क्या है स्काई लाइट कुछ तो है, स्काई सेंटर करके,
और वो एक्स्ट्रा माइल करके जो है उधर सामने वो है, एक तो बास्केटबॉल का और WWE वगैरह शायद होती है। इसमें पूरी बड़ी स्क्रीन लग रही है, उसमें मूवी नाइट भी होगा। घास में लेट जाओ आराम से, जाकर चादर भी छा के चटाई भी छा के, और भाई सब लौट के आराम से मजे में चिप्स खावे हैं, मूवी देखे हैं। ठीक है भाई, मेरे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आ गई है और मैं डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। अभी जाके दिखाता हूँ कैसे तो एंटर करा जा, क्योंकि बिना उसके आईडी कार्ड के एंटर नहीं कर सकता जहाँ पे मैं बैठता हूँ क्यूबिकल में। मेरे बाहर सिक्योरिटी के लिए वो लगाया है, कुछ तो सिक्योरिटी सिस्टम है जो बिना कार्ड के दिखाई नहीं जाती। तो भाई मैं आ गया था अपने फ्लोर का, भी दिखाता हूँ मैं कैसे एक्सेस हो। आईडी कार्ड ये इस पर ये हो गया, जाओ लिफ्ट में हूँ अपने उस पर फ्लोर पर जाने लग रहा हूँ, अभी जाते ही दिखाता हूँ। तो भाई मैं अपने डिपार्टमेंट में आ गया था अपने फ्लोर पर, ये यहाँ पर पता नहीं डस्टबिन लगा रखा है। तो भाई मेरे को ये क्यूबिकल दिया गया है, दो स्क्रीन वाला पीसी है, यहाँ पर बैठो, और भी कुछ दिया है साथ में दिखाता हूँ अभी क्या दिया है। ये मेरा नाम लिखा है, ये इन्होंने कप दिया है, ये पेन दिया है, साथ में यूवी चश्मा, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर है, जिसको लगा के मैं नहीं आई थी चूतिया दिखूंगा। अपार्टमेंट के यहाँ आ गया था, अभी दिखाता हूँ कैसे सिक्योरिटी का क्या सिस्टम। तो भाई ये सिक्योरिटी का है, इसको यहाँ पर टैप करो, इस पर सामने मेरा क्यूबिकल। तो भाई मैं डिपार्टमेंट में निकल के बाहर आ गया था, यही चश्मा है वो यूवी वाला जो इन्होंने दिया है, जिसे लगा के मैं नहीं आई थी चूतिया लग रहा। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज कब लोग यहीं ख़त्म करूँगा मैं। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चोरी करो। चल बलिए सुने तू तो।